बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा होता है कि हर चीज़ बड़ी बढ़िया तरीके से होती है, रिएक्शन भी बहुत बढ़िया होता है, एकदम कड़क टाइट होता है, बट जब भी वो इंटरकोर्स शुरू करते हैं विद इन फ्यू स्ट्रोक उसका डिस्चार्ज हो जाता है बहुत जल्दी। मतलब कि अनएक्सपेक्टेड होती है ये चीज़, लड़का खुद भी परेशान हो जाता है, और परेशान बहुत बार खुद के लिए ही नहीं अपने फीमेल पार्टनर के लिए होता है, बिकॉज उससे हमेशा ये रियलाइज़ होता है कि शायद मेरी वाइफ जो है वो खुश नहीं हुआ। बट मैं आपको एक बात बताऊं जो कि फीमेल्स के केस में होता है, फीमेल्स हमेशा स्ट्रोक्स से सेटिस्फाइड नहीं होती, इंसर्शन से नहीं होती। फीमेल की सेटिस्फैक्शन ना फिजिकल लेवल पे जितना होता है मेंटल लेवल पे भी उतना ही होता है, क्योंकि फीमेल्स बॉडी में हार्मोन्स वैसे ही काम करते हैं, इसीलिए तो वो फिजिकल अटैचमेंट से ज़्यादा मेंटल अटैचमेंट पे बिलीव करती है। बहुत सारे मर्द भी ऐसा करते हैं, पता है उसको पता है कि उसको लेडी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, फिर भी बिल्कुल भी वो इलाज नहीं करवाते, ना तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ना तो कोई आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लेते हैं। कुछ तो करो यार, और अगर कुछ नहीं भी करते तब भी मैं ये वीडियो उसके लिए बनाने वाली हूँ, उसी के लिए बना रही हूँ कि आप कैसे अपने फीमेल पार्टनर को तब भी सेटिस्फाइड कर सकते हो अगर आपका बहुत जल्दी गिर जाता है। बहुत लोग पता है कि उसको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ये जानते हुए भी कुछ गलतियाँ करते हैं, उसको पता है कि इसको ये दिक्कत है, सोल्यूशन तो ढूंढते ही नहीं है, वो अलग बात है, और कुछ गलतियाँ भी करते हैं, बट वो अपने वाइफ से बहुत प्यार भी करते हैं, और इसीलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने फीमेल पार्टनर को भी उसी लेवल पे सेटिस्फेक्शन दे सके। फीमेल्स का जो प्लेजर पैटर्न है ना वो मेल से बिल्कुल अलग है। जब लड़कों को जब प्लेजर मिलता है ना वो डिस्चार्ज करता है, इसीलिए वो विजिबल होता है, बट फीमेल्स के केस में बिल्कुल अलग है। फीमेल्स का जो कुछ दिखता ही नहीं तो फिर आप समझते ही नहीं हो कि उसको प्लेजर मिला के नहीं मिला, क्योंकि मेल का जब डिस्चार्ज होता है तब उसको प्लेजर मिलते ही डिस्चार्ज होता है, बट फीमेल्स के लिए कुछ भी डिस्चार्ज नहीं होता, वो इंटरनल होता है, इसीलिए वो सिर्फ स्ट्रोक से नहीं स्टिमुलेशन से भी सेटिस्फाइड हो सकती है, जो कि आप फोरप्ले के दौरान उसको दे सकते हो, क्योंकि उसको आफ्टर प्ले के दौरान दे सकते हो, या फिर जिसको आप अटैचमेंट के दौरान दे सकते हो। सबसे पहले आप जो गलती करते हो पता है क्या, जब आपका डिस्चार्ज हो गया ना आप उस प्रोसेस को वही रोक देते हो। सकता है कि आपकी फीमेल पार्टनर उस टाइम पे पिक लेवल पे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो पिक लेवल पे हैं, कुछ ऐसे इशारे सिम्टम्स कुछ ऐसे साइंस दिखते हैं फीमेल्स के, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपकी वाइफ पिक लेवल पे है, बट आपका जब भी छूट गया आपने तभी उसको उस प्रोसेस को वही रोक दिया। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है जो कि आपको नहीं करना चाहिए, वही पे पूरे प्रोसेस को स्टॉप नहीं करनी चाहिए। आपने बराबर उसको फोरप्ले दिया, फोरप्ले के दौरान आपने उसको अराउज किया, प्रॉपर अराउज किया, अराउजिंग के बाद जब आपने इंसर्शन की तो फिर आप छूट गए बहुत ही जल्दी। आपका फीमेल पार्टनर तब आधे पॉइंट पे है, आधी जगह पे है, आपको उसको पूरा कैसे करना है आफ्टर प्ले के दौरान। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपके उस लेवल पे इरेक्शन नहीं होता, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता, आपको प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं आता, अगर आप इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो तो आप ज़रूर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। ये मिस्ट्रेस कंपनी का बोल्ड फॉर मैन है, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी के लिए, और इसमें वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो क्लिनिकली टेस्टेड है। इसमें है लिविजा, लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। साथ ही साथ इसमें सफ़ेद मूसली है जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, जिससे आपके बॉडी में सेक्स हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। तो अगर आप स्पेशली एनर्जेटिक रहना चाहते हो तो इस्तेमाल ज़रूर करो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, अदरवाइज आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। आप अगर स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी आप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। कैसे, जब आपको लगा कि आपका जल्दी छूट गया, आपकी फीमेल पार्टनर तब भी अपने तभी बेहोश हुई होगी, उसको समझ में नहीं आया होगा शायद, अगर आपने अंदर डिस्चार्ज किया हो, अगर बाहर भी डिस्चार्ज किया हो, कुछ भी हो, अगर आपकी फीमेल पार्टनर प्रॉपर अराउज्ड है, आपको क्या करना है, आपको स्टिमुलेशन देनी है। कौन से एरिया पे? अपने हाथों का इस्तेमाल करके, अपने टंग का इस्तेमाल करके आप उसके क्लिट जो एरिया है उसको ऐसे टैप करके, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये उसकी वजाइनल एरिया है तो इस एरिया के यहाँ ऊपर सेक्शन में क्लिट होता है जो कि फीमेल्स का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है, जो एक हुडी से हुडी होती है उससे ढकी होती है, और ये मटर का दाना जैसा होता है, सभी जानते हैं शायद इसके बारे में। उस एरिया को आपको ऐसे आप डैप कर सकते हो, ठीक है।
या फिर आप हल्के हल्के उसको हल्के हाथों से रब, बिल्कुल घर्षण नहीं देना है, तो बहुत पेन होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हजारों के तादाद में ना सेंसिटिव नर्व्स होते हैं। आप डैप करो, रब करो हल्के हाथों से, बिल्कुल रब करो। इससे क्या होता है, फीमेल पार्टनर जो पिक लेवल पे है ना, वो सडन ड्रॉप नहीं होती, वो धीरे धीरे कंप्लीट होती है और फिर फीमेल पार्टनर जो है उसको प्लेजर मिलता है, क्योंकि क्लिट स्टिमुलेशन सबसे बेस्ट वे है एक फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन देने का, क्योंकि फीमेल को बनाया गया है ही इसी तरीके से कि वो दूसरे तरीकों से भी सेटिस्फेक्शन ले सके। बिकॉज भगवान को भी शायद पता होगा कि मैंने लड़कों को जैसे बनाया है ना, डिस्पुट तो हो ही सकता है, यानी कि हो सकता है कि इरेक्शन ही ना आए, हो सकता है कि जल्दी छूट जाए, तो फिर औरतें कैसे खुश होगी भाई। तो औरतों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे देती हूँ कि वो स्टिमुलेशन के जरिए भी सेटिस्फेक्शन ले सकती है और ये वो सेल्फ भी कर सकती है, बहुत सारी औरतें आजकल करती भी हैं। अगर आप जिंदा हो तो उसको सेल्फ की क्या ज़रूरत है ना। बहुत सारे मेल पार्टनर अपने ही फीमेल पार्टनर की प्राइवेट पार्ट एरिया को टच करने में हेजिटेट फील करते हैं, बट अपने ही फीमेल पार्टनर जो कि रजिस्टर्ड है, जो कि आपकी लाइफ टाइम पार्टनर है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने में कैसे हेजिटेशन, कौन देख रहा है आपको। ये तो आपके दोनों की अंदर की बात है, और जब बात अंदर की होना तो प्लेजर भी अंदर से ही आनी चाहिए दोनों को। और अगर आप खुद देखोगे कि जब आपकी वजह से आपके फीमेल पार्टनर को भी उस लेवल पे खुशी मिल रही है ना, तो आपको एक अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि हाँ चाहे कुछ भी हो मेरी फीमेल पार्टनर मुझसे खुश है, और आपको ये गिल्टी कभी महसूस नहीं होगी कि मैं जल्दी छूट जाता हूँ और मेरी बीवी भी तड़पती रह जाती है। ऐसा आपको गिल्टी फील फिर बाद में नहीं होगा। ट्राई करके जरूर, ट्राई नहीं 100% करो यार, ये तो हमारा हक है, ये आपका हक है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि इतनी बेशरम होकर वीडियो बनाने में भी काफी मेहनत लगती है। थैंक यू।